हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी लंबे समय बाद बोल सकते हैं ऐसा कि रिजल्ट तो फिलहाल आया नहीं, तो मैं सोचा मैं ही आ जाता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो बना दिया आज। ये दूसरा वीडियो है क्योंकि देखिए इससे पहले मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुका था एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही। ठीक है, तो आज ठीक है काफ़ी लंबे समय बाद बोल सकते हो, या 8-10 दिन बाद मैंने भी एक वीडियो बनाया। ठीक है, और एक्चुअली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हो या यूट्यूब चैनल्स पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे जो है ये चीज़ बताया जा रहा था कि रिजल्ट जो है 5, 6, 7 को आ जाना चाहिए। 8 कितने लोगों ने बताया कि 8 को शाम को भी आएगा, है ना। हालांकि कल भी बोला गया था कि कल शाम को आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो भी ग्रुप में हैं जो हमारे साथ दौड़ते हैं तो उनके द्वारा भी यही डेली एक कहना रहता है कि भाई आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। ठीक है, तो और फिजिकल 27 मार्च को आप सभी को बताइए कि जिस तरह बताया जा रहा है कि फिजिकल फिक्स है। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बस एक कहा जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, और जो भी यूट्यूब पे बताया जा रहा है उसी को सुन के जो है लोग यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है देखिए, क्योंकि अभी भी कट ऑफ को लेकर एक थोड़ा सा बना हुआ है कन्फ्यूज़न कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि सर कट ऑफ जो है थोड़ा सा, मतलब क्योंकि देखिए मार्क्स क्या है ना कि थोड़ा इस बार लग रहा है कि कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अच्छे मार्क्स स्कोर किए गए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा और वैकेंसीज कम है, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि पिछली बार के अगर कंपेरिजन में एक दो क्वेश्चन ऊपर जा सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है 77-78 के राउंड जो है फिजिकल के लिए, जनरल मेल के लिए जो है कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए मैं अपना बताया और साथ में अभी ग्राउंड पे जाने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, ठीक है, जो फिजिकल कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनके भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दोस्त हैं जो पटना में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके भी मार्क्स हैं। और लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ बता दूँ सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है, और आप सभी भी देखोगे कहीं भी दौड़ रहे होगे तो कोई भी बहुत ही कम, ठीक है, जैसे हमारे ग्रुप में टोटल मान लीजिए 10-12 कैंडिडेट्स अभी फिलहाल जो है दरोगा के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ, तो उसमें कोई भी कैंडिडेट जो ट्रायल हुआ फिजिकल के लिए किसने भी 6.5 में कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, उसी तरह जो पटना में भी जो दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन ग्रुप में भी दो दोस्त जो हमारे दौड़ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि सर वहाँ भी, मतलब भाई वहाँ भी जो है कोई ऐसा नहीं है जो 6.5 में आ जाए। यानी फिजिकली अगर देखो तो किसी का भी जो है उतनी मतलब फिटनेस अच्छा नहीं है, ठीक है, और वो 6.5 में कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मार्क्स अच्छा हो, तो अगर टाइम कम दिया जाए फिजिकल में तो आप समझ सकते हो कि मेरिट में डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा फिजिकल और मेरिट का नंबर में। ठीक है, हो सकता है डाउन भी जा सकता है क्योंकि काफ़ी कम दिया जाए। अगर 27 मार्च वाला अगर कहा जाए, ठीक है, अगर 27 मार्च का ही अगर फिक्स करके रखा जाए तो समझ सकते हो थोड़ा मार्क्स नीचे जाएगा, मतलब कट ऑफ नीचे जा सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कब ले रहा है फिजिकल। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा दिया तो फिर वही बहुत सारे कैंडिडेट्स क्लियर कर जाएंगे। अभी फिलहाल ये बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अगर अभी फिजिकल कराया जाए तो भाई वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से मैं भी हूँ क्योंकि हमारा खुद ही आपको बताया था 9 मिनट करीबन पहले दिन मारा था, जो 26-27 फरवरी को मैंने किया था, तो 9 मिनट करीबन लग रहा था, अभी 7.5 के अराउंड लग रहा है। ठीक है, 7:40, तो इम्प्रूवमेंट है बट इतना भी नहीं है कि जो है फिजिकल क्वालिफाई किया जा सके, क्योंकि 6.5 के अंदर लाना है तो आपको 6:10, 6:20 में जो है क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप सभी को वही बताना चाह रहा था कि देखिए रिजल्ट का किसी को कुछ आइडिया नहीं, बस ऐसे ही कहा जा रहा है। ठीक है, और जो भी कोर्स बेचा जा रहा है कोर्स के लिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में भी किसी को आइडिया नहीं कितनी आ रही है, बस कोर्स जो है देने के लिए सभी जो इंस्टीट्यूशन ने एक ही बात बोलना शुरू कर दिया है। तो आप सभी जो है फिजिकल करते रहिए, है ना, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, बस देखिए कब आता है रिजल्ट, है ना, तब जो है हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और कोई आपका सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।